इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक खुशखबरी है कि हम आपके सामने रख रहे हैं कि पैगाम इत्तेहाद ने अपने कामयाब 5 साल मुकम्मल कर लिए। पैगाम इत्तेहाद एक हमारा हिंदी हफ्तरोज़ा है और अकलीतों के मसाइल को बेबाकी के साथ अवाम के सामने रखने की एक कमज़ोर कोशिश है। वैसे तो हमारे माशरे में पढ़ने लिखने का रुझान न के बराबर है। बेलगाम शहर वैसे तो अदबी शहर कहा जाता है, पर पिछले कुछ सालों से वो जज्बा नज़र नहीं आ रहा जो पहले हुआ करता था। लोगों में किताबें पढ़ना, किताबें खंगालना, अखबार को पढ़ना, वो दौर अब नहीं रहा। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के फजल से अखबार के 5 साल तो मुकम्मल किए हैं। इसमें तमाम अखबार पढ़ने वालों का, अखबार को सराहने वालों का और हर लिहाज से ताउन करने वालों का, पैगाम इत्तेहाद और पैगाम इत्तेहाद के तमाम स्टाफ की जानिब से आप सभी को दिल के अमीक गहराइयों के साथ मुबारकबाद और आपका शुक्रिया कि आपने हमें हर हिसाब से हमें जो है मदद की और हमारे अखबार को पढ़ा आपने। और अक्सर लोगों ने फ़ोन भी करके बताया कि आपके मौजू अच्छे होते हैं, ये आपका सराहना ही हमारी हौसला अफजाई है। मौजूदा दौर मीडिया का दौर है, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एकाध कोई छोड़कर अक्सर मीडिया बिखा हुआ नजर आता है। सत्ता से सवाल करने की हिम्मत अब पत्रकारिता में नहीं रही और इसीलिए पत्रकारिता अब चाटुकारिता बनती नजर आ रही है। कलम में वो जुरत हुआ करती थी कि सत्ता में बैठे हर कायद नेता से सवाल पूछे जाते थे, कई सारे आंदोलन एहतजाज हुआ करते थे, पर सवाल करना अब जुर्म बनता जा रहा है। कलम डर चुकी है और यही डर गोदी मीडिया में तब्दील हो चुका है। जब कलमकार कलम से इंसाफ करना छोड़ देते हैं तो जमीर का भी सौदा करने लगते हैं। सत्ताधारी की वाहवाही में सच्चाई कोसों दूर रहती है, मजलूमों को इंसाफ नहीं मिलता और आजकल यही मीडिया बन गया। तभी तो अमेरिका के ट्रंप ने मोदी से कहा कि कहां से लाते हो ऐसे पत्रकार, यह कोई सम्मान नहीं था बल्कि पत्रकारिता पर सवाल था, सहाफत पर सवाल था कि पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो किस तरह की मीडिया को, किस तरह से ये डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लेकर चल रहा है। इत्तेहाद मीडिया, इत्तेहाद उर्दू, पैगाम इत्तेहाद एक हमारी बहुत छोटी कमजोर कोशिश है। हम भी बेबाकी से लिखते हैं, सत्ता से सवाल करने की कोशिश करते हैं। हमने भी कोशिश की कि अपनी पत्रकारिता के साथ इंसाफ करें। हालात भी कई मर्तबा आए, हम पर भी इसको रोकने की कोशिश की गई कई बार। अखबार को छपने से लेकर इश्तिहार तक जो है इस पर रुकावटें लाने की कोशिश की गई। माशरा आज भी अखबार या मीडिया की अहमियत को समझने से कासिर है, लिहाजा इन्हें इश्तिहार देकर किसी अखबार को मजबूत बनाना भी जरूरी नहीं समझा जाता। कोशिश इत्तेहाद मीडिया की है जिसमें हमने पिछले 5 साल में पैगाम इत्तेहाद, हिंदी अफ्तरोज़ा, इत्तेहाद उर्दू, उर्दू अखबार, इत्तेहाद न्यूज़ यूट्यूब चैनल, जिसे आप लोगों ने तकरीबन 20 लाख लोगों ने अब तक देखा है, इत्तेहाद न्यूज़ ऑनलाइन खबरों का एक वेब पोर्टल है, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। अवाम के ताउन के बगैर हमारा कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है, लिहाजा अकलियतों के मसाइल पर बेबाकी से ख्यालात का इजहार करने की हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। उम्मीद करते हैं कि अवाम सपोर्ट करे, ताउन करे, इसलिए कि किसी के ताउन के बगैर कोई मीडिया खड़ा नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा इत्तेहाद मीडिया चलता रहेगा, आपका ताउन भी हमें बराबर मिलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।